हाय नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। इवन शॉर्ट टर्म नज़रिए से बहुत अच्छे मुनाफे बन रहे हैं, इसका ज़रूर फायदा उठाना चाहिए। एंड विद सम कॉशन आपको ज़रूर इस तेज़ी का, इस अच्छे मोमेंटम का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके जो स्टॉक सिलेक्शन है वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हों, कि किसी वजह से मार्केट में करेक्शन आ जाए और आप लोग आपका कहीं सौदा फंस जाए या आपका निवेश के रेट से नीचे आ जाए स्टॉक, तो भी आपको होल्ड करने में टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही एक स्टॉक है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, इसका 550-560 के आसपास भाव चल रहा है। इसमें निवेश की मेरी सलाह होगी और टारगेट होगा 650। ये 650 का टारगेट मेरे मुताबिक 15-16% का जो अपसाइड है ये ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मेरे मुताबिक आपको ये विद इन 3 मंथ्स में आना चाहिए, तो इसलिए वेरी अट्रैक्टिव है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल। वैसे भी कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसकी लीनेज बहुत अच्छी है। दो प्रमोटर्स जो हैं वो एक तो रहेजाज हैं जो जिनकी ऑलरेडी कंपनी लाइक एक्साइड है, प्रिज्म जॉनसन, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनीज उनकी प्रमोटेड हैं, और दूसरे एक तो रहेजा पार्टनर्स हैं और दूसरे पार्टनर्स हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो दोनों का जॉइंट वेंचर है इसलिए प्रमोटर बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, अगर जैसे आप देखेंगे जो टेबल आपके सामने आ रहा है, कंपेयर टू जो इसके पीयर्स हैं पेट्रोकेमिकल केमिकल इंडस्ट्री में, उनकी तुलना में ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशियोज़ हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। कंपनी का लगातार अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले क्वार्टर में इनका 30% ग्रोथ था मुनाफे में, और शेयर होल्डर्स फंड और एसेट्स, टोटल एसेट्स का भी तकरीबन 20% ग्रोथ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आपने देखा होगा चार्ट जो अभी आया था पहले, रिटर्न रेशियोज, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, बहुत ही शानदार है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इसलिए बहुत अच्छी वेल परफॉर्मिंग कंपनी है, केमिकल सेक्टर में है जिसमें ऑलरेडी के मोमेंटम अच्छा है, और जैसे बताया कि प्रमोटर्स भी इसके अच्छे साउंड हैं। कंपनी का कोई डेट नहीं है, कोई प्रमोटर शेयर्स प्लेज नहीं है, तो कोई ऐसा कोई जितने जो काफ़ी मिड कैप स्टॉक्स का चिंता होती है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे मुताबिक इसमें ये ऐसा स्टॉक है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं विद अ 650 रुपीज़ का टारगेट। और इसमें इन्होंने नए एयरलाइंस भी ऐड की हुई हैं, नए नए काफ़ी और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करेंगे जिससे कि इनकी जो ग्रोथ है वो आगे चल के बढ़ती रहेगी। तो मेरे मुताबिक ये निवेश आप करें, और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि ये निवेश आपके लिए एक अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मेरे को टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।